हाजी कॉलोनी ओखला विधानसभा का एरिया। हमारे यहाँ पे टेबल पे बहुत से कम्बल रखे हैं और मैं कैमरामैन से कहता हूँ कम्बल को दिखाइए। अच्छे अच्छे कम्बल हैं, अच्छी क्वालिटी कम्बल हैं, क्योंकि सर्दी आते ही लोगों की ज़रूरत बढ़ जाती है इन कम्बलों रजाई के लिए। हमारे साथ में उधर डॉक्टर रहमान साहब हैं और उनका एनजीओ का संस्था है गरीबों के लिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी बहुत हेल्प करते हैं। और यहाँ सारी महिलाएं बैठी हैं, अल्लाह करे इनकी अच्छी सपोर्ट हो जाए और इनका ज़रूरत पूरी हो जाए। तो ये ओखला के अंदर डॉक्टर साहब करते हैं। और यहाँ से जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दूसरे पार्ट में डॉक्टर साहब हैं और वो हर साल तकरीबन कम्बल इस तरह की तकसीम करते हैं और दीगर ज़रूरत की चीज़ें दवा भी फ्री में बांटते हैं कभी कभी, और गाहे बगाहे खिदमत करते हैं वो जी। आपका नाम? रुखसाना। कहाँ से आई हैं? हाजी कॉलोनी से ही जी। कम्बल देखा आपने? नहीं देखा ही नहीं अभी हमने। अच्छा नहीं देखा, तो देखिए कि यहाँ अच्छे से कम्बल रखे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कंडीशन में कम्बल रखा है और यहाँ ज़रूरतमंद को दी जाती है। मैं डॉक्टर साहब के साथ रूबरू होता हूँ। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है पर्वत न्यूज़ के अंदर। शुक्रिया बहुत थैंक यू। ये काम कब से कर रहे हैं? मैं तो अक्सर हर साल ही करता हूँ जी जी, लेकिन अभी इस साल कुछ ज़्यादा ही हमारा प्लानिंग है करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का। तो जी, तो ये कब से, मतलब हाउ टू फील, क्या फील करते हैं इस इन लोगों को दे करके, और ये एक सिलसिला चल रहा है, क्या समझ में आता है माइंड में? एनजीओ भी है आपके पास? नहीं, कोई एनजीओ नहीं है हमारा जी, और बस दिल से कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, और सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जी। खास तौर पे मुझे इतना अच्छा लगता है लोगों को दे करके, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं पूरा, मतलब पूरे ओखला को बांटूँ मैं, लेकिन जो हमारी औकात के हिसाब से मैं जितना हो सकता मैं करता हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते इस वक्त कोरोना चल रहा है, इतनी भीड़ भाड़ है, फलाना ढिकाना है, या आप डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखे, या ऐसा क्या माइंड में आया कुछ? देखिए असल में कोरोना तो चल रहा है, इससे मैं इसे एग्री करता हूँ, लेकिन कोरोना से ज़्यादा लोग जो है ना मर रहे हैं, ठंड में मर रहे हैं लोग अभी, ठंड में, अभी तो ठंड शुरू होने वाली है, ऐसी ऐसी ठंड आएंगी कि लोगों के पास कुछ बिस्तर नहीं होगा, कोई सामान नहीं होगा। तो इस सोच करके हमने सोचा चलो ठीक है, लोगों को फ़ायदा ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, और ये हमेशा थोड़ी ना होता है, ये तो बस समझ लीजिए कि टेम्प्रेरी तौर से मैंने शुरू किया है जी। तो दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये कम्बल के कलर है, साइज़ है, बहुत चौड़े चौड़े हैं और अच्छी कंपनी का है। बहरहाल सर आपका नाम जानना चाहूँगा। साबिर अली। साबिर साहब, लगता है आप भी इसमें शामिल हैं जी। अल्लाह ताला तौफीक दिए जी। कैसा लगता है खिदमत करके? जो खिदमत करके इंसान को जो तसल्ली और सुकून मिलता है जी, और दीगर काम में नहीं मिलता। अब किसी की मदद करना सबसे बढ़िया काम। अच्छा, ये सेवा अपने कॉलोनी के अंदर है या बाहर भी कभी करते हैं? अभी तो हम कॉलोनी से शुरू कर रहे हैं जी, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, आगे भी जितना हो सकेगा, और सबके लिए है ये। तो ये थे हमारे साथ, एक तरफ साबिर साहब हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर साहब थे जिन्होंने अपने तासुरात से पेश किया, और उम्मीद है कि ये खिदमत खल्क हो सकता है कॉलोनी के बाहर भी जाए। और मैं एम एस अख्तर खान, पर्वत न्यूज़, न्यू दिल्ली।